अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मिस्टीरियस लाइफस्टाइल। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं कुछ प्रोडक्ट्स जो हमने दराज से ऑर्डर की थी। सो लेट्स अनबॉक्स आवर फर्स्ट पार्सल। जो लोग तो मेरी वीडियोस देखते हैं उन्हें तो आइडिया हो गया होगा मेरी ना काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं आई। एक तो इसकी वजह ये है क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी ना तो मेरी रिंग लाइट जो थी वो टूट गई थी, जिसकी वजह से ना मुझे बहुत मुश्किल हुई उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करने से। अभी भी आप लोग देख सकते हैं मैं बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, मैं ट्राईपॉड पे रखा हुआ, मैंने अपने फ़ोन को ना जस्ट सेट किया हुआ है। तो इसके लिए ना मुझे एक रिंग लाइट की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने दराज से ही ऑर्डर की थी। इसका लिंक जो मैं ना आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वैसे तो ये 900 की है लेकिन ना मुझे सेल पर 12 सेल लगी हुई थी दराज की, तो मुझे ये 739 समथिंग की ये मिल गई। इसके साथ ना इसकी ये चीज़ें मुझे दी हुई थी अरेंज करने के लिए, इसके पार्ट्स भी गिवन थे। आप लोग खुद इसको ना देख कर असेंबल कर सकते हैं। मुझे तो ऐसे समझ नहीं आ रही थी अभी ना, मैं वीडियो ओपन जब कर रही थी मैंने सोचा था कि चलो बाद में करके ना लगा कर फिर आप लोगों को वीडियो में एंड पर दिखा दूँगी। तो ये रिंग लाइट्स है, इसके साथ इसके कलर भी चेंज हो सकते हैं इसके, और इसके साथ साथ फ़ोन होल्डर भी होता है जिससे ना आप इजीली अपना लगा सकते हैं फ़ोन अपना, और आपको भी वीडियो ऊपर से शूट करनी है जिस तरह भी आप लोगों ने शूट करनी है तो आप लोग कर सकते हैं। माजरत, मेरा ना गला थोड़ा सा ख़राब है तो आवाज़ इस तरह की आ रही है। अगर आप लोगों ने परचेज़ करनी हो ना तो आप लोग ज़रूर परचेज़ करें, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है। वैसे मैंने अभी तक इसको चला कर नहीं देखा, जैसे ही मैं चलाऊँगी ना तो मैं आपको इसका रिव्यू अलग से दे दूँगी। या इसको असेंबल करने का तरीका अगर आप लोगों को चाहिए तो वो मैं अलग से वीडियो बना कर ना आपको दिखा दूँगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए अनबॉक्स करते हैं अपना नेक्स्ट पार्सल। और ये ना छोटू सा कोई पार्सल है, मुझे भी अंदाज़ा नहीं है कि मैंने क्या मंगवाया था। लेट्स सी, ये ना वैसे अच्छा मुझे याद आया, मैंने ना ईयर रिंग्स आई थिंक मैंने ऑर्डर किए थे। ये मैं इसकी प्राइस मेंशन कर देती हूँ। ये ना काफ़ी लेट इसकी ना शिपमेंट हुई थी, आई थिंक ये ओवरसीज प्रोडक्ट थी जिसकी वजह से इसकी शिपमेंट काफ़ी लेट हुई थी, लेकिन ये बहुत बहुत प्यारे और डिसेंट से थे। वैसे तो इसकी प्राइस 700 और समथिंग थी लेकिन सेल में ये 379 और समथिंग के ना ये मिल रहे थे, तो इस वजह से मैंने ना इसको परचेज़ कर ली। और साथ ही जो मैंने कैंडल थी ना मैंने साइड पर कर ली क्योंकि वीडियो को फोकस नहीं हो रहा था, इस वजह से ना भी मैंने कैंडल को साइड पर कर दिया। प्रोडक्ट पर फोकस इस तरह करना आसान हो जाता है कैमरे के लिए। तो ये आप लोगों को ना भी कॉल करके दिखा सकती हूँ। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है, और इतनी प्राइस में ना मतलब टोटल आपके लिए ये बहुत अफोर्डेबल है। वरना अलग से आप लेती हैं ना तो 150 या 200 का इजीली आपको एक ना एक पड़ जाता है। तो मुझे पसंद थे और मुझे मंगवाने भी थे कुछ ईयर रिंग, तो मुझे ये वाला पेयर अच्छा लगा। और भी दिए हुए आप लोग देख सकते हैं जाके, जो भी आपको पसंद है वो आप लोग ले सकते हैं। अनबॉक्स करते हैं अब हमारा नेक्स्ट पार्सल। अभी इतना बड़ा सारा बॉक्स देखकर आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे कि पता नहीं क्या ऑर्डर किया हुआ है, मुझे भी समझ नहीं आती। अच्छा मैं पहले भी मैंने कहा कि ना मैं वाकई में भूल जाती हूँ चीज़ें ऑर्डर करती हूँ ना, तो मुझे भूल जाती हूँ कि मैंने अच्छा ये भी ऑर्डर किया था। ये एक बॉक्स है, गिफ्ट बॉक्स है मेरे ख्याल इसके अंदर ना। अनबॉक्स करते हैं फिर देखते हैं। और इस साथ साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को या आप लोगों के लिए यूज़फुल रही है नहीं, तो कमेंट करना मत भूलो। मैं ना आजकल वीडियोस वगैरह बहुत कम बना पा रही हूँ क्योंकि मेरे ना पेपर हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वीडियो को शूट करने पर भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है, फिर एडिटिंग और वो सारा वॉइस ओवर वगैरह जो भी मुझे करना पड़ता है तो फिर इतना टाइम ही नहीं होता और काफ़ी कितना टाइम लग जाता है इस चीज़ों में। तो बस आप लोग मेरे पेपर के लिए दुआ कीजिए कि अच्छे अच्छे से हो जाए। बाकी ये देखें ये बॉक्स बहुत बहुत प्यारा है, इतनी अच्छी क्वालिटी का बॉक्स है ना। और एक्चुअली ये ना गिफ्ट वगैरह देने के लिए, मेरी सिस्टर ने गिफ्ट देना था तो ये गिफ्ट वगैरह देने के लिए, अगर उसके अंदर आपने डिफरेंट चीज़ें रखनी हो या कोई भी किसी पर्पज़ के लिए भी, आप इवन ज्वेलरी रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी प्राइस जो थी वो 500 और समथिंग थी, और ना बाद में डिलीवरी चार्जेस आई थिंक अलग से लगे थे, तो ये इस बॉक्स की ही प्राइस आई थिंक 500 और समथिंग थी। तो मुझे तो बहुत पसंद आया ये बॉक्स, इसकी लुक भी बहुत अच्छी और कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, और ऊपर से इसका डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। तो मेरी तरफ से तो ये रिकमेंडेड है, 10 out of 10 है। और ना बहुत अच्छा मटेरियल भी इसका बहुत अच्छा है, ये नहीं कि कोई नॉर्मल क्वालिटी वाइज भी ये अच्छा है। ओके सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट पार्सल। ये भी कोई छोटू सा पार्सल था, इसमें भी मुझे आइडिया नहीं है कि क्या है, इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। और ना कुछ लोग पूछ रहे थे कि डिलीवरी चार्जेस किस तरह होते हैं जिन्होंने अभी तरह से शॉपिंग वगैरह नहीं की या उनको एक्सपीरियंस नहीं है, तो डिलीवरी चार्जेस अलग होते हैं और प्रोडक्ट जो होती है ना वो अलग होती है।
जो प्रोडक्ट की प्राइस होती है वो अलग होती है। कुछ प्रोडक्ट की डिलीवरी फ्री होती है, लेकिन कुछ लोग प्रोडक्ट्स की ना डिलीवरी होती है 150, 120 या इस तरह डिलीवरी चार्जेस होते ही हैं। अच्छा, तो ये क्रीम एक ऑर्डर की थी, आप लोग देख सकते हैं इसका नाम, बेशक आप लोग गूगल वगैरह पे सर्च कर लें, यूट्यूब पे सर्च कर लें। ये बेसिकली आपके कहीं से मार्क है कोई आपकी बॉडी पर, या आप कहीं से जल गई है स्किन आपकी, या आपकी स्किन को ना रिपेयर करने के लिए या इवन ग्लोइंग करने के लिए ना, तो ये इस्तेमाल होती है। आप डॉक्टर्स वगैरह से ऐसे रिकमेंडेशन ले सकते हैं, तो खुद से तो मैं यूज़ करने का प्रेफर आप लोगों को नहीं कहूँगी, ना ही एडवाइस करूँगी। तो ये एक क्रीम यहाँ से ना मिल नहीं रही थी, काफ़ी मेडिकल स्टोर वगैरह से देखी थी तो नहीं मिल रही थी, फिर दराज पे अवेलेबल थी तो फिर इसलिए ना दराज से ऑर्डर कर ली थी। चलें अब अनबॉक्स करते हैं हमने नेक्स्ट पार्सल, लेट्स सी इसमें क्या है। ये स्लिप दी हुई है उसकी, आई थिंक इसके साथ इसमें निकला है ये बॉक्स, इसमें भी उन्होंने बिल आई थिंक दिया हुआ है। ये बॉक्स मुझे पैकेजिंग इसकी अच्छी लगी है, मतलब नॉर्मल ऐसे ही है, कोई बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की पैकेजिंग नहीं है, लेकिन नॉर्मल ऐसे ही है ये जी। मुझे याद नहीं आ रहा वैसे मैंने क्या ऑर्डर किया था, अभी खोलते हैं फिर देखते हैं कि इसमें क्या है। ओह यस, ये मैंने ना ऑर्डर किए थे कुछ स्क्रब वगैरह ऑर्डर किए थे मैंने, आजकल बहुत दराज पर ट्रेंडिंग पर चल रही थी। मैं अभी आपको ना दिखाती हूँ, सबसे पहला तो ये जो है ना कॉफ़ी स्क्रब है, बायोशॉप की ये प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चल रही थी, और स्पेशली ये कॉफ़ी स्क्रब वगैरह और ये पिंक लेकर ना मैंने बहुत ज़्यादा सुना हुआ था, तो मैंने अपने लिए ना मेरा स्क्रब वगैरह जो मैं यूज़ करती थी वो सारे ख़त्म हो गए थे, और कॉफ़ी स्क्रब का तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हाइप चल रही थी कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो मैंने ना इनका मंगवाया है। इसका रिव्यू मैं इंशाल्लाह ताला जल्दी आपको दूँगी, मैंने अभी यूज़ नहीं किया, मैंने अभी सिर्फ ऑर्डर ही किया था ताकि मैं इनका देखूँ, ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि हमें अपने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को भी ना प्रमोट करना चाहिए। हम लोग बाहर वगैरह किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें ना ऐसे पाकिस्तान की लोकल जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना वो भी इस्तेमाल करनी चाहिए। ये है कॉफ़ी स्क्रब, मैंने इसको ओपन करी थी और ये ना ऐसे ना अचानक से सारा निकल के इस तरह बाहर से आ गया, तो आप लोगों ने बहुत केयरफुली ओपन, मैंने वीडियो में दिखाना था ना तो इस वजह से मैंने उसको थोड़ा टेढ़ा किया हुआ था, तो लेकिन आप लोग ना सीधा करके इसको ओपन कीजिएगा। ये फिर मैंने ना इसको ऐसे बंद करके रख दिया, मेरे पास अभी इस वक्त टिश्यू, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे टिश्यू वगैरह अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए मेरे हाथ ना बस ऐसे थे। तो नेक्स्ट जो है ये है हमारा ऑरेंज पील, आई थिंक ये पाउडर होता है, और ना ये पाउडर आपने फेस पर लगाना होता है, और ये ना बहुत स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ऑरेंज, और विंटर्स भी हैं तो ना स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके इंग्रेडिएंट्स और वो सारा कुछ लिखा हुआ है, आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं। तो मैं इन सब का ना रिव्यू, इसको मैंने खोल कर नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। और नेक्स्ट जो ये पिंक क्ले, ये मुल्तानी क्ले की तरह ही होता है, आई थिंक मुल्तानी मिट्टी टाइप जो होती है, तो ये भी उस तरह ही काम करता है। मैंने अलग सोचा था कि मैं वीडियो में खोल कर दिखा दूँ, फिर मैंने कहा नहीं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो जल्दी जल्दी से मैंने बस इसको ना शो करवा दिया आपको। ये इसके साइज़ वगैरह आप लोग बेशक देख सकते हैं, मैंने छोटे छोटे ऑर्डर किए थे, एक दफ़ा ट्राई कर लूँगी फिर दोबारा और मंगवा लूँगी। इनकी और भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, कॉफ़ी स्क्रब, ऑरेंज पिल और पिंक कलर, इवन मुल्तानी मर्डिन का और भी काफ़ी सारी चीज़ें ना काफ़ी ट्रेंडिंग पर चल रही हैं, लेकिन मेरे बजट में अभी यही तीन चीज़ें ही आई थी, मतलब बहुत ज़्यादा अभी मैंने नहीं बाय की। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर कभी मौका मिला तो ज़रूर बाय करूँगी। तो ये था मेरा रिव्यू इसके हवाले से, बाकी इंशाल्लाह ताला आपको अलग से वीडियो भी मिल जाएगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पार्सल, अभी इसको हम कर लेते हैं जल्दी से साइड पर, फिर हम अगली वीडियो देखते हैं। अच्छा, जो लोग तो मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता होगा मेरी वीडियो में ना अक्सर बुक्स वगैरह भी पढ़ी होती हैं, तो मैं बुक्स वगैरह ना काफ़ी शौक़ है मुझे पढ़ने का। एक्चुअली ये बुक्स तो जो है मेरी सिस्टर ने ऑर्डर की थी, और भी काफ़ी ज़्यादा बुक्स ऑर्डर की थी ऐसे वो रैंडम वगैरह इंग्लिश बुक्स, उनको पढ़ने का शौक़ है। मुझे ज़्यादा उर्दू फिक्शन नावल वगैरह पढ़ने का शौक़ है, तो ये इंस्टाग्राम की आई थिंक एक पेज से ऑर्डर की थी, तो मैं आपको मेंशन कर दूँगी कोई बुक्स वगैरह मंगवानी हो आप वहाँ से मंगवा सकते हैं, इवन दराज से भी बुक्स वगैरह बहुत ईजीली अवेलेबल हो जाती हैं, तो इस तरह कोई मसला नहीं है, आप लोग ईजीली ना मंगवा सकते हैं। मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कुछ लोग, तो फिर मैं इनका चलो अलग से वीडियो में मैं बता दूँगी। मेरे पास निम्र अहमद की, उमर अहमद की और भी काफ़ी सारे नॉवल्स पढ़े हुए हैं, यारम और काफ़ी टाइप के, तो आप लोग कुछ भी पूछना हो या कहाँ से मैंने मंगवाए हैं तो मैं बता दूँगी। मैंने अपनी तरफ से वीडियो जितनी शॉर्ट करने की कोशिश की थी ना, आई थिंक उतनी लंबी हो गई है वीडियो अभी, तो मेरे को मतलब ना कुछ और पार्सल्स भी इंशाल्लाह आ रहे हैं, तो फिर उनकी भी अनबॉक्सिंग मैं दिखा दूँगी। तो ये भी कोई छोटू सा पार्सल है, अभी भी पता नहीं क्या, मैं छोटी छोटी चीज़ें ऑर्डर करती हूँ ज़्यादा ना, मतलब वो इतनी ज़्यादा अमाउंट वाली मुझे चीज़ें नहीं होती,
ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है। अच्छा ये ना आजकल गिफ्ट बॉक्स वगैरह जो चल रहे हैं ना, उनमें वो रखने के लिए ना ये पेपर सा होता है। अभी मैं आपको ना ओपन करके दिखाती हूँ। वो जो गिफ्ट बॉक्स दिखाया था ना मैंने पहले, तो वो किसी को गिफ्ट देना था तो ये ना उसके अंदर रखने के लिए ऐसे पेपर को छोटे छोटे इस तरह कट किया होता है, स्प्रेड करने के लिए होते हैं। मुझे ना इसका नेम नहीं याद आ रहा, बाकी लिंक मैं आपको मेंशन कर दूँगी तो आप लोग देख सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक और कमेंट करना मत भूले। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।